सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम जनमन प्रोग्राम भी हम लोग कहते हैं, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 महीने पहले नवंबर मास में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की। इसका मेन महत्व था कि जो भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, खासकर जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं या जनजातियों में भी जो बहुत पिछड़े जनजाति हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना। इसके लिए ऐसे 22 जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोशल पेंशन स्कीम्स, इस तरह के 22 प्रोग्राम्स हैं, इनसे उनको सेचुरेट करने की मुहिम ली गई थी, जिसमें हमारे त्रिपुरा के सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और खासकर ये प्रोजेक्ट हमारी जो रियांग कम्युनिटी है, इसको सेंटर में लेके बनाया गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऐसे 2 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए थे जिनमें हमारे रियांग भाई बंधु ज़्यादा हैं, ओल्ड अगरतला आरडी ब्लॉक और बेलबारी आरडी ब्लॉक में, जिसमें राधा मोहनपुर बीसी, तुला कोना जीपी, राधा किशोर नगर जीपी, और बेलबारी में राधापुर बीसी, चंपक नगर और विक्रम मौलसा। तो इसमें हमें जितने भी हमारे रियांग भाई बंधु थे, इनको हमने इन 22 प्रोग्राम्स में सेचुरेट करने की मुहिम करी थी। और हम इन लास्ट 8 महीनों में हमारे प्रयत्नों से हम ज़्यादातर चीज़ों को सेचुरेट कर पाए हैं। इसके में सबसे इम्पॉर्टेंट था प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी रियांग्स को जिनको PMAY के अंदर अगर घर नहीं मिला है, किसी कारण से नहीं मिल सका है, तो पीएम जनमन में उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इसमें घर मिला। और उन सभी को हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में ये सभी के घर भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, वो था उनको जमीन देने का। पट्टा के माध्यम से जो फॉरेस्ट पट्टा लैंड है, उसको उनको जमीन दी गई। ऐसे हमारे 22 जो लगभग फैमिलीज थे, उनको हमने जमीन देने की कोशिश की और हमने देखा कि इनमें से अभी इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद कोई भी लैंडलेस नहीं है। दूसरा था कि उनके बच्चों को जिनको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाई है, उनको हॉस्टल की सुविधा देने का, ये भी हम लोग कर पाए हैं। और सभी घरों में हर घर जल नल के, हर जल नल से जल के प्रोग्राम में, जल जीवन मिशन के अंदर इनको हम लोग फैसिलिटी भी दे पाए हैं। सभी घरों में फ्री LPG कनेक्शन, आयुष्मान भारत स्कीम, सिकल सेल एनीमिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी जांच की गई है और एश्योर किया गया है कि सभी को 100% इम्यूनाइजेशन मिले। मुझे बताते हुए